कुछ तो हिला उधर, कुछ तो वहां पे जंप किया। तो पापा बचपन में इसी स्कूल में पढ़ते थे? हाँ, हम पढ़ रहे थे 1970 में। वही स्कूल में मैं मेरा प्राइमरी शिक्षा खत्म कर किया है। अच्छा, तो ये स्कूल लगभग 100 साल पुराना होगा? हाँ, ना बहुत। मैं अंग्रेज लोग इस स्कूल को स्थापन किए थे। अच्छा, मम्मी भी इसी में पढ़ी थी क्या? हाँ हाँ, वो भी स्कूल में पढ़ रहे थे। अच्छा, तो आप दोनों इसी स्कूल में थे। ये हमारे गांव का शमशान है, जहां मेरे दादा दादी जी बड़े पापा सबका अंतिम संस्कार हुआ था, और एक ना दिन हमें भी इधर ही आना है। तो गाइस, आज मैं गांव आया हूं बहुत सालों के बाद, और आज 5 साल के बाद मैं अपने दादा दादी जी के घर के अंदर प्रवेश करूंगा, जो कि दादी जी के देहांत के बाद करीब 6 साल से बंद पड़ा था। और गाँव वालों का कहना है कि रात ढलते ही उस घर से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती हैं। तो मैंने और पापा ने डिसाइड किया कि आज हम खुद जाके चेक करेंगे कि गांव वालों का कहना सही है कि गलत। ये जो तालाब देख रहे हो हमारे गांव का, बचपन में मैं यहाँ नहाया करता था, पर आज देखो नहाने लायक नहीं बचा, एक भी इंसान आपको दिखेगा नहीं इधर अब। तो गाइस, मैं अभी दादा दादी के घर आ गया हूँ, थोड़ी देर में हम अंदर प्रवेश करेंगे। तकरीबन 5 साल तक ये घर बंद पड़ा था, आज हम इसको खोलेंगे। थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग हो रहा है, बट अंदर जाके ही देखते हैं अभी। देख के अंदर कुछ भी हो सकता है, सालों से बंद पड़ा है ये घर। हर तरफ बस मकड़ी की जाल ही जाल। तो दादी माँ अपना अंतिम सांस यहीं पे ली थी, इसी जगह पे।
पैसों को इधर रख रहे थे। सर वो आप वही गांव का आदमी है सर, वो जो घर का मालिक थे उनका साथ कोई रिश्ता आपका क्या संपर्क करने है? संपर्क है। अच्छा जो गांव का सब लोग बोल रहे हैं कोई घंटी का आवाज आ रहा है अंदर से, सब बोल रहे हैं ये सच है ना? हाँ रात सुबह सुबह कोई पूजा कर रहे हैं ऐसे शब्द आप सुने हैं कभी? इधर बोलते कोई नाग सांप भी घूम रहे हैं। नाग सांप आए तो आ रहे हैं जा रहे हैं नाग सांप आते हैं उधर खेलते हैं इधर कहीं। पापा जो आवाजें आ रही थी वो शायद इसी यहाँ पे? हाँ वही घर से बोल रहे हैं। okay, okay. पड़ोसी लोग बोलते हैं जहाँ तो यहाँ पे पूजा कर रहे थे। अच्छा तो यहाँ पे मंदिर था पहले? हाँ पहले मंदिर था। तो पापा हम एक काम करते हैं, जो लोग बोल रहे हैं ना कि आवाजें आ रही है इस रूम पे, शाम होते ही अंधेरा ढलते ही आवाजें आना स्टार्ट हो जाती है, तो आज हम काम करेंगे यहाँ पे रुकेंगे शाम तक, देखते हैं कि लोगों की बात में कितनी सच्चाई है या एक अफवाह है पता चल जाएगा। तो एक काम करते हैं हम बाजू के रूम पे जाकर रुकते हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा अंधेरा होने में टाइम है। हाँ। तो थोड़ा हम दूसरे रूम पे रुक के चेक करते हैं। ठीक है चलो बाजू वाले रूम पे चलिए, यहाँ पे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो हम एक काम करते हैं ये दरवाजे को बंद करके रखते हैं, कुछ आवाज़ें आती है तो चेक करते हैं। कीड़े मकोड़े खा गए हैं पूरे दरवाजे को, इतने सालों से बंद पड़ा था। तो गाइस पूरा पसीना पसीना हो चुके हैं और लगभग शाम ढल चुका है और अभी हम इंतज़ार करते हैं कि सच में कुछ आवाज़ें आ रही हैं कि नहीं, क्योंकि अभी अभी तक तो कुछ ऐसा सुनाई नहीं दिया है। थोड़ा देर और रुकते हैं और वेट करते हैं। हल्की सी आवाज आ रही है, राइट? देखा यही है ना घंटी की आवाज? इस दौरान मैं और पापा थोड़ा ज्यादा घबरा गए थे और समझ में नहीं आ रहा था कि सच में हो क्या रहा है हमारे साथ। घर में कोई नहीं है तब भी घंटी का आवाज आ रहा है। पापा पड़ोसी का तो नहीं होगा? नहीं पड़ोसी के कैसे, वही जो रूम जो गांव लोग बता रहे थे वही रूम से आवाज आ रहे हैं। दूसरे रूम पे दूसरा सुरु कर दिया पापा। देखो आवाज तो बंद हो गई अचानक से, ठीक हो ना पापा? कुछ खराब नहीं हो रहा ना? नहीं थोड़ा। देखो आवाजें बंद हो गई पापा, कांपता है शरीर।
थोड़ा सा पास आएंगे क्या, या फिर इस रूम के अंदर कोई नहीं होगा ना? नहीं उधर कोई होना है, उधर चाबी तो है भाई, 5 साल हो गया बंद था घर, अभी तो आज खुले, वही वही जगह से आवाज आ रहा है, तब भी शायद वो पीछे कौन है वो पापा, उसको भी खोल नहीं, नहीं, नहीं पापा उसको मत खोलो, डर लग रहा है। नहीं देखेंगे, कोई चिंता नहीं। नहीं पापा नहीं पापा नहीं, अगल बगल सब आ जाएगा, आवाज यहाँ पे नहीं आ रही ना, अभी रात हो चुकी है ना पापा, कोई नहीं आएगा, उसको मत खोलो, दरवाजा हम खोलेंगे। नहीं 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 ना, यहाँ खोलेगा, इतना छाल का बात आया। नहीं पापा डर नहीं, कुछ 5 साल बाद खोलेंगे, थोड़ा साफ थोड़ा नजर तो यहाँ पे साफ याद। पापा चलिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, इधर निकलते हैं हम, यहाँ रहना ठीक नहीं लग रहा मुझे। कुछ तो हिला उधर, कुछ तो वहां पे जंप किया, इधर ही से कुछ आवाज आया था पापा। कोई नहीं पापा, चलो बहुत हो गया, अब नहीं रुकना है, चलो चलो। Hey.